बात करें कैश फ्लो का, तो एडजस्टमेंट नंबर वन प्रोविजन फॉर टैक्स का कर लिया है, एडजस्टमेंट नंबर टू डेप्रिसिएशन का बहुत बड़ा एक एडजस्टमेंट था कर लिया, और एक लास्ट जो थोड़ा सा बड़ा एडजस्टमेंट है वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का, ठीक है ना। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर इंटरेस्ट डिबेंचर पे भी हो सकता है। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आपसे बोला जा सकता है मेनली। या तो आपको कोई जानकारी दे ही नहीं रहा, यानी सिंपल नो इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन गिवन, यानी इस वाले में अभी एग्जाम्पल लूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर इसका ट्रीटमेंट एक बार बता दो क्या होता है। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ये दो जगह जाता है, एक जाता है हमारा कहाँ पे, ऐड हो जाता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नेट प्रॉफिट में, और लेस हो जाता है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके। ट्रीटमेंट तो ये दो है। अब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा इसका मतलब क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन होगा वो देखते हैं। देखिए एग्जांपल सपोज करिए, मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट बना देता हूँ। ये बैलेंस शीट है और मैंने यहाँ लिखा 10% डिबेंचर, ये 2020 है और ये 2021 है। ये मान लेते हैं 1 लाख और ये मान लेते हैं 2 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख और 2 लाख रुपए। तो वेरी सिंपल, कोई जानकारी आपको मिला नहीं है, सिंपल बैलेंस शीट के अंदर मिल रहेगी आपको। जब कोई जानकारी नहीं है और बैलेंस शीट के अंदर है तो आपको एक अजम्पशन लेना होगा कि 1 लाख से 2 लाख होने का मतलब समझते हैं आप कि आपने 1 लाख रुपए का और डिबेंचर इशू किया होगा, तभी तो बढ़िया है। दूसरा देखो, अगर मैं कहूँ 10% लोन है और ये था 5 लाख, अब हो गया 4 लाख, तो इसका मतलब क्या समझे हम कि 1 लाख रुपए का लोन का आपने पेड किया होगा। तो यहाँ पे हमने लोन लिया उसकी एडजस्टमेंट नहीं सीख रहे हैं, हमने लोन को पेड किया उसका ट्रीटमेंट नहीं है, वो तो फाइनेंसिंग में चला जाएगा। हम सीख रहे हैं उसके ब्याज का, और क्वेश्चन में कहीं भी ब्याज के बारे में डिस्कशन नहीं करता। तो हमेशा याद रखना, आपको ओपनिंग बैलेंस पे, हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकाल के और उसका ऑपरेटिंग में ऐड और फाइनेंसिंग में लेस कर देंगे जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता। तो यहाँ पे एक अज्यूम करते हैं कि जो भी एक्टिविटी हुआ, आपने बोला सर यहाँ पे आपने लोन लिया है, तो इस एक्टिविटी को मान लेंगे लोन लिया होगा साल के एंड में, लोन रीपेमेंट किया है तो मान लेंगे साल के एंड में है। तो इसका मतलब अज्यूम क्या करेंगे कि एनी लोन, लोन टेकन किया हो या फिर पेड किया हो, अज्यूम एनी लोन टेकन और पेड एट द एंड ऑफ ईयर, साल के बिल्कुल अंत में ही होगा, ठीक है ना। अब यहां पे इसका आंसर क्या होगा सर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंटरेस्ट होगा 1 लाख पे 10%, यानी 10,000 रुपए। ये 10,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा, लेस हो जाएगा फाइनेंसिंग में। सेम ऐसे दूसरे पॉइंट की तरफ चलें तो दूसरा आंसर क्या निकालोगे सर, ये आएगा हमारा 50,000 रुपए। तो दोनों आंसर आपके हो गए डन जब आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, ठीक है ना, कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। नीचे अगर आपको विजुअल नहीं है तो मैं आपको विजुअल करा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कई बार क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन गिवन होता है, यानी सिंपली व्हेन इंफॉर्मेशन गिवन, जब आपको कोई जानकारी या इंफॉर्मेशन गिवन हो, जैसे सर होगा तो वही ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट वही है कि ऐड कर दोगे इसको कहाँ ले जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और लेस कर दोगे इसको कहाँ जाके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ट्रीटमेंट यही है। लेकिन सर इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है, अभी एक एग्जांपल लेंगे और उस सभी का आंसर करके देख लेंगे। ये आपके सामने एक मैं बना रहा हूँ बैलेंस शीट, इसमें बनाया मैंने 10% लोन, यहां से 5 लाख और यहां 6 लाख, और 10% लिखा मैंने डिबेंचर,
यहाँ से लिखा मैंने 5 लाख और यहाँ लिखा 4 लाख। और एक और लिख लेते हैं 12% बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक से लोन लिया, यहाँ पे 4 लाख और यहाँ पे भी 4 लाख। अब नीचे जानकारी देता है कि लोन, अब लोन देखा जाए तो 5 से 6 हुआ तो टेकन ही होगा भाई। लोन टेकन ऑन 1 सितंबर 2021, हमारा ये 2021 है और ये 2022 है, ठीक है। तो हमने सितंबर 2021 में ख़रीदा, यानी ये 21-22 है और ये 20-21 है, ठीक है ना, समझ रहे होगे। लोन टेकन इस डेट पे किया, ठीक है सर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डिबेंचर रिडीम, डिबेंचर जो रिडीम हुआ, यानी हमारा जब 5 से 4 हुआ तो मतलब तो सिंपल सा आसान सा बात है ना कि हमने पेमेंट किया होगा। जब भी डिबेंचर की पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, रिडीम, डिबेंचर रिडीम ऑन, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने रिडीम किया 1/12/2021, ठीक है। दो जानकारी दिया, अब सर यहाँ पे तीनों का आंसर क्या होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई बदलाव ही नहीं हुआ। तो मुद्दे की बात है, जब जानकारी दिया जाएगा उसी के बारे में दिया जाएगा जिसमें क्या होता है हमेशा चेंजेस। अब हम पहले का आंसर निकालते हैं, आंसर नंबर 1 का। सबसे पहले देखो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखना होगा। सर तारीख होगी 1/4/2021 और एंड हो जाएगा 1/4/31/3/2000। आपको समझना होगा इस डेट पे मैं लोन की बात करूं तो लोन कितने का था, और इस डेट पे लोन की बात करूं तो लोन कितने का है, और आपने लोन कहीं साल के बीच में टेकन किया है कितने का, 1 लाख रुपए का, है ना। तो आप यहां से यहां तक, अगर मैं ब्याज की कैलकुलेशन की बात करूं तो आप यहां से यहां तक इंटरेस्ट निकालोगे 5 लाख पे, और यहां पे 1 लाख रुपए का लोन लेते ही अब आपका कर्जा जो है वो हो गया कितने का, 6 लाख का। तो यहां से यहां तक इंटरेस्ट निकालोगे आप 6 लाख के ऊपर, और यहां से यहां पे 5 लाख पे। तो 5 लाख पे अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो 5 लाख इंटू में 10/100 और इंटू 6/12, तो ये आ जाता है हमारा 25,000। सेम इस वाले पे निकालेंगे, कैसे निकलेगा, आएगा हमारा 6 लाख इंटू में 10/100 इंटू में 6/12, यानी 30,000। तो टोटल अगर पहले का आंसर लिखूं मैं यहाँ, इसका आंसर आ जाएगा 25 और 30, यानी 55,000 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। और सर इंटरेस्ट अगर 55,000 रुपये का हमने ले लिया तो इसको दिखाया कहाँ जाएगा, सेम ऑपरेटिंग में ऐड और फाइनेंसिंग में माइनस, ठीक है। चलिए आंसर नंबर 2 को मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आंसर नंबर 2 में क्या होगा, अगेन 1/4/2021 को लिया है, एंड होगा 31/3/2022 को। इस डेट पे लोन था मेरे पास 5 लाख का, और इस डेट पे कितने का लोन है, 4 लाख का। बट ऑब्वियस है कि 1 लाख रुपए का पेमेंट हो गया है। अब पेमेंट बोलता है वो 31/12 को किया है उसने, 1/12 को। तो आप मान के चलो 1/12 तक तो मेरे पास जो कर्जा है वो पूरे 5 लाख का है। तो कितने महीने हो जाते हैं यहाँ पे, 1/12 तक देखते हैं तो 9 महीने नहीं होंगे, देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 8, नौवां महीना दिसंबर तो स्टार्टिंग ही हुआ है, ठीक है ना। तो कर्जा हमने दिसंबर 31 को नहीं दिया, दिसंबर तो यूज़ ही नहीं किया, तो 8 महीने तो 5 लाख पे लगेगा। और बाकी यहाँ से दिसंबर से हमारा जो स्टार्ट होगा कर्जा वो कितने महीने, 4 मंथ, ठीक है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की बात करें तो 5 लाख इंटू में 10/8/12 हो जाएगा ये, और दूसरे पोर्शन में बात करें तो 4 लाख इंटू में 10/4/12, जो भी इंटरेस्ट निकल के आता है बता देते हैं अभी क्या निकल के आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 5 लाख इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 8, ये आ गया 33,000, ये 33,333, और ये 4 लाख इंटू में 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 4, ये आ गया 13,333। दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 46,666, और यही इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में ऐड होना है और फाइनेंसिंग में लेस हो जाना है। एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो क्वेश्चन में बोला नहीं लेकिन आपने करना है, जैसे कि ये वाला एडजस्टमेंट है,
ये हिडन एडजस्टमेंट बोल लो, क्वेश्चन बताएगा नहीं कभी। सेम कॉन्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर पे भी अप्लाई करना है, तो लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड होता है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे भी रेट होता है, आपको पता हो, तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो हेयर यहाँ के लिए कोई जानकारी नहीं है, तो हम जब जानकारी ना दे तो हमेशा किस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, जब जानकारी ना दे तो पेड टेकन एट द एंड ऑफ द ईयर, हम हमेशा इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो किस पे करेंगे, ओपनिंग बैलेंस पे। व्हेन नो इन्फॉर्मेशन गिवन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो इंटरेस्ट किस पे निकाला जाएगा, ओपनिंग बैलेंस पे। तो पॉइंट नंबर 3 के लिए कोई जानकारी है आपके पास नहीं, तो किस पे निकालोगे, तो 12 पे 12% के हिसाब से 4 लाख का आप निकाल दोगे पूरे साल का, तो कितने हो जाएंगे आपके 48,000, और 48,000 एक बार ऑपरेटिंग में ऐड और फिर फाइनेंसिंग में माइनस। तो ये पूरा था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर, अगर किसी का कोई डाउट बनता है तो आप पूछ सकते हैं, डाउट है इसमें किसी का तो बताइए, पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके है ये। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने 1 सितंबर लिख दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल सही बताया किसी ने कि 7 महीने का आएगा, जबकि यहाँ पे मैं 30 सितंबर कर देता हूँ, अब 6 महीने का हो जाएगा, ठीक है ना।